आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे किचन अगर घर की पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये कैसा है। ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की दिशा है और किचन शुक्र वीनस। सूर्य और शुक्र का योग शुभ नहीं माना जाता है। शुक्र जब भी सूर्य के समीप जाता है अस्त होता है, अपना अस्तित्व खोता है, मिट जाता है। घर में घर की मालकिन शुक्र यानी वीनस है। एक कहावत हम सभी ने सुनी है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस। जब भी रसोई घर घर की पूर्व दिशा में होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा घर की मालकिन पर, और यह प्रभाव होगा विपरीत प्रभाव। कैसा प्रभाव? घर में पूरे ऐशो आराम है लेकिन घर की मालकिन के चेहरे पर खुशी नहीं है। हमेशा उदासी रहती है, चिंता रहती है, मुंह लटका रहता है। कह सकते हैं कि मुंह पे हमेशा 12 बजे रहते हैं। समझाता हूं आपको। आपने घर में एक बहुत बड़ा कलर LED टीवी खरीदा, मान लिया 98 इंचेस, ह्यूज होता है। आप बड़े एक्साइटेड हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। टीवी इंजीनियर उस टीवी को 98 इंचेस को आपके घर में इंस्टॉल कर रहा है, लगा रहा है। आप टीवी के सामने खड़े हुए हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब टीवी चालू हो उसको देखें, और घर की मालकिन मटर छील रही है, कोई मतलब ही नहीं है उनको। इंस्टॉल कर दिया इंजीनियर ने टीवी, आपने ऑन कर दिया, कलर देख के आप बहुत खुश हैं, साउंड देख के आप मोहित हैं, बच्चे उछल रहे हैं, इतने बड़े स्क्रीन पे बड़ी बड़ी पिक्चर्स देख के बच्चे बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। आपकी मिसेज घर की मालकिन छौंका लगा रही हैं सब्जी में, कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह की समस्याएं आपको लगेगा इसके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं आती है। एक और, आपने एक नई गाड़ी बुक करी, नई गाड़ी बुक करी है तो एक्साइटेड तो होंगे ही आप, बच्चे भी होंगे। आज है डिलीवरी का दिन, आप घर की मालकिन यानी आपकी धर्मपत्नी और बच्चे डीलर की शॉप पे पहुंचे गाड़ी को लेने। रिबन काटा गया, गाड़ी को सजाया गया, आप गाड़ी में बैठे, आपने स्टार्ट करी, एसी ऑन कर दिया, इंटीरियर को आप निहार रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, एक्साइटेड है। पीछे की सीट पर बच्चा बैठा है, सीट को देख के बहुत खुश है, उस पर उछल रहा है, कह रहा पापा देखो कितनी नरम सीट है, मजा आ रहा है। जो पावर विंडो है उसको ऊपर नीचे कर रहा है, एक्साइटेड है। चैनल्स को बदल रहा है म्यूजिक सिस्टम पे, कभी वॉल्यूम ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, ही इज वेरी हैप्पी। बगल में घर की मालकिन आपकी मिसेस, उनसे सीट ही आगे नहीं रो रही है। जब आपने देखा तो क्या कहती हैं, ये कैसी गाड़ी आपने ले ली, सीट ही आगे नहीं हो रही है, कितनी मुश्किल हो रही है, पिछली गाड़ी ही बढ़िया थी, कितने आराम से सीट आगे हो जाती थी। आपको लगता है अरे भाई इतनी बड़ी गाड़ी की डिलीवरी ले ली है, सीट भी आगे हो जाएगी, थोड़ा खुश तो हो जाओ। खुश नहीं होंगे, चेहरे पे खुशी नहीं आएगी, कारण वो नहीं, कारण है घर में जो रसोई घर घर की पूर्व दिशा में है। जब भी पूर्व दिशा में रसोई घर होगा तो घर की मालकिन घर की महिलाएं, उनके चेहरे पर खुशी नहीं आएगी, हमेशा उदासी ही रहेगी और आपको कारण पता ही नहीं चलेगा। इसका आप ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी रसोई घर पूर्व दिशा में है तो घर की मालकिन को हमेशा पित्त से संबंधित समस्याएं रहेंगी, सिर में दर्द रहना, पेट में दर्द रहना, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। और ऐसे घर में घर की महिलाएं जो हैं उनको यूटेराइन डिसऑर्डर होने की भी बहुत शिकायत रहती है, यानी गर्भाशय से संबंधित भी समस्याएं ऐसे घरों में घर की महिलाओं को हो सकती है। तो ये विपरीत प्रभाव पड़ते हैं अगर घर में रसोई घर घर की पूर्व दिशा में है। कहने का अर्थ ये है रसोई घर पूर्व दिशा में वास्तु अनुकूल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।